क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट से अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मिचेल स्टार्क को आधिकारिक रूप से रिलीज कर दिया है और 2019 में होने वाले मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क नीलामी का हिस्सा होंगे, वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वो दो बड़े कारण, वो दो बड़ी शर्तें जिसके चलते ये बड़ा कदम केकेआर की टीम ने उठाया है। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हैं, आईपीएल 2019 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट हमारे चैनल को बताइए। यहां कहीं लाइक बटन होगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा कारण या कह लें वो शर्त जिसके चलते ये बड़ा कदम केकेआर ने उठाया है वो है प्लेयर गारंटी से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों पिछले दो हफ्तों से लगातार केकेआर की टीम की और मिचेल स्टार्क की यही बातचीत चल रही थी जिसमें केकेआर की टीम ये चाहती थी कि मिचेल स्टार्क की गारंटी दे कि वो आईपीएल 2019 में आकर खेलेंगे, इसी शर्त पर वो उन्हें जो है रिटेन करेंगी, उन्हें इस साल भी 9 करोड़ रुपए देंगी। लेकिन मिचेल स्टार्क ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं देना चाहते। दोस्तों मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार वो बिकते हैं मिचेल स्टार्क और लगातार किसी न किसी बहाने के कारण वो आईपीएल का हिस्सा होते ही नहीं और हम फैंस को, क्रिकेट फैंस को, आईपीएल फैंस को निराशा का सामना करना पड़ता है और शायद इसी बात को केकेआर ने भी एडमायर करा और इसी के चलते उन्हें रिलीज किया गया। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो अगर आपकी टीम में खेलेगा तो उसे 9 करोड़ इतनी ज्यादा रकम देने का कोई मकसद बनता ही नहीं है और ये बड़ा विवाद था, शर्त थी जिसके चलते ये फैसला लिया गया। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण जिसके चलते इन्हें रिलीज किया गया है वो है एशेज टूर से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों भारत की टीम आईपीएल के जस्ट बाद 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगी तो वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम आईपीएल के जस्ट बाद जाकर 6 महीने तक इंग्लैंड में ही रहेंगी क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद उन्हें एशेज सीरीज भी खेलनी है। दोस्तों एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक बहुत ही प्राइम सीरीज रहती है और इसको कोई भी मिस नहीं करना चाहता। दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारे खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने नहीं देंगे। साफ तौर पर इन खिलाड़ियों में मिचेल स्टार्क का भी नाम है और केकेआर की टीम को यह पता है कि जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें इजाजत ही नहीं देगा आईपीएल में खेलने की तो इन्हें इतने ज्यादा पैसों का कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। और ये सारा कुछ देखते हुए, इंग्लिश टूर को देखते हुए, केकेआर की टीम ने बड़ा ही माइंड से और दिमाग से यह फैसला लिया और मैं इस फैसले के साथ हूं। सो दोस्तों ये दो बड़े कारण थे। हालांकि पिछले 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मिचेल स्टार्क नीलामी में जाने वाले और शायद वहां भी कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। अब देखते हैं दोस्तों इस पे आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या केकेआर का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट बॉक्स आपके लिए है तो फटाफट कमेंट कीजिए इस वीडियो में। फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।